यहाँ पर अपन ने क्या किया बेटा, ये जो वायर ली है इस वायर की जो लेंथ है ना ये तो इनफाइनाइट है, ठीक है ना। इनफाइनाइट लेंथ के वायर के ऊपर यहाँ पर जो चार्ज है ये इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं बेटा कि ये जो वायर है ना, इस वायर की वजह से यह जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के ऊपर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन क्या करते हैं बेटा कि इस वायर के ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं ओ, इस ओ पॉइंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर एक पॉइंट आप लोगों ने पी मान लिया, ठीक है ना। ओ से पी की जो डिस्टेंस है, ओ से पी की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप लोग स्मॉल आर मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आप लोगों ने स्मॉल आर मान लिया। अब अपन क्या करते हैं बेटा कि ये जो ओ पॉइंट है ना, इस ओ पॉइंट से ऊपर की साइड पे और ओ पॉइंट से नीचे की साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे दो माइनर पार्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। अपन ने क्या किया बेटा कि ओ पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इधर की साइड पे और नीचे की साइड पे, ठीक है ना, दो माइनर पार्ट मान लेते हैं, और उन दोनों माइनर पार्ट का जो एरिया है वो भी आप लोगों को कैसे लेना है बेटा, सेम लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि यहाँ से इधर की साइड पे यहाँ पे एक, ठीक है ना, ये जो वायर है इस वायर का एरिया अपन ने मान लिया ये एक डीएल, यहाँ पर ये जो डीएल लेंथ का एक अपन ने माइनर एरिया मान लिया, या माइनर ये क्या बोलते हैं लेंथ मान ली वायर की, जितने डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे अपन नीचे की साइड पे भी मान लेते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास में डीएल होता है, ठीक है बेटा। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो आप लोगों ने डीएल लेंथ का माइनर जो पार्ट लिया है, इस माइनर पार्ट की वजह से, ठीक है ना, आप लोगों को पहले तो ये जो पॉइंट पी है ना इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। एक बार तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं बेटा कि जैसे यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वह चार्ज से बाहर की ओर, मतलब इस तरीके से हो गई, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना, किधर की तरफ रहेगी, इधर की तरफ रहेगी। अब अपन ये मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस पी पॉइंट पे सपोज करो अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर ये जो डीएल जो आपके पास में माइनर लेंथ है, इसकी वजह से पॉइंट पी के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वह चार्ज से बाहर की तरफ, ठीक है ना, चार्ज से दूर की तरफ होगी। अब अपन ये मान के चलते बेटा कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल कितना हो गया, एल्फा हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास में पॉइंट पी हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट पी है, बाद में लिखेंगे अपन, ये पॉइंट पी है, ठीक है, कर दिया आप लोगों ने। अब सेम काम यही करेंगे बेटा। अच्छा यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान समझना, ये जो लाइन है ना इस लाइन को थोड़ा अपन आगे तक बढ़ाते हैं बेटा, इस तरीके मतलब ये जो पॉइंट पी है ना यहाँ पे, इस पॉइंट पी के ऊपर आपको क्या करना है बेटा कि ये जो इसी डीएल लेंथ की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या करते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में मतलब उसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा आगे तक बढ़ाइए इधर की साइड पे, ठीक है ना, ये इस तरीके से अपन ने आगे बढ़ाइए यो, और ये जो लाइन है ये इधर से आ रही है तो ये तो इधर की चली जाएगी यो, ठीक है ना, ये इस तरीके से चली जाएगी, और ये आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई वेक्टर, ठीक है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट पी से एक के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो ओपी लाइन है ना, इस ओपी लाइन के बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ये इस तरीके से। एक बात बताए बेटा, ये वाला एंगल एल्फा है तो सिंपल सी बात है ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, एल्फा हो जाएगा। अब ये जो डीई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये डीई इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट हुआ है बेटा, डीएल की वजह से, ठीक है ना। तो इस डीई वेक्टर को, मतलब ये जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या करते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो एक बात बताए बेटा, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा बेटा,
डीई कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट आपके पास में क्या हो जाएगा, डीई साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से आप लोगों के पास में हो जाएगा। उसके बाद में अपन क्या करते बेटा कि ये जो डीएल है नीचे वाला, इसकी वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से भी एक लाइन इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। ये लाइन अपन ने यहाँ से ड्रॉ कर दी, ये लाइन आप लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है बेटा, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल भी अपन अल्फा मान लेते हैं, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगी, और यहाँ से भी अपन क्या करते हैं बेटा ये इसको आगे तक बढ़ाते हैं इधर, ठीक है ना। और ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा डी वेक्टर। अब वापिस इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अपन कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो ये आपके पास में ये वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा बेटा डी साइन ऑफ थीटा, सॉरी साइन ऑफ अल्फा, सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं आएगा, अल्फा आएगा बेटा दोनों जगह पे, यहाँ पर भी अल्फा आएगा। और इसका ये वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बात क्या है बेटा कि ये जो आपके पास में पॉइंट पी है, पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है ना, इस वाले माइनर एरिया माइनर लेंथ और इस वाले माइनर लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या करेंगे बेटा कंपोनेंट की फॉर्म में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जो आप लोगों को वर्टिकली कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, ये वर्टिकली कंपोनेंट क्या है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपके पास में हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाएंगे बेटा, आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक अच्छा। आप लोगों को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग विशेष तौर पे याद रखना बेटा कि देखो ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आप लोगों को जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा बेटा, इन दोनों कंपोनेंट से मिलेगा एक ही डायरेक्शन में, तो इनकी वजह से मिलेगा ना। अब ध्यान सुना, वायर कहाँ पे बेटा, मतलब यही आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, ठीक है ना बेटा, यही आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, ये नहीं है बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपके पास में वायर है ना, वायर कैसा बेटा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, वायर कैसा है ऐसे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये थोड़ी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है ना। तो एक बात बताओ, वायर तो ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ है, इस वायर के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो आप लोगों को याद रखना बेटा कि अगर आपके पास में इनफाइनाइट लेंथ का कोई चार्ज है, ठीक है ना, इनफाइनाइट लेंथ का अगर कोई चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना, वह उस चार्ज के, ठीक है ना, जैसे ही आपके पास में इनफाइनाइट लेंथ का कोई चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, इधर की तरफ, ठीक है ना, यूं। तो यानी कि इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी ना, वह डायरेक्शन इस चार्ज के बिल्कुल कैसी होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। बात आपको समझ में आई ना, ये जो इनफाइनाइट लेंथ का जो आपके पास में चार्ज है, इसकी वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इस वायर के बिल्कुल कैसी होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये वाले जो कंपोनेंट है ना, ठीक है ना, ये वाले जो कंपोनेंट है, वर्टिकली जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। पर बाकी ये वाले जो वर्टिकली कंपोनेंट है, ये एक ही डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। तो इससे क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये जो वायर है ना, इस वायर के बिल्कुल कैसी है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में। अब ये तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन के बारे में पता चल गया। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये तो आप लोगों ने केवल इस डायग्राम से तो आप लोगों ने ये समझा है कि
इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज की वजह से, ठीक है ना, एक इनफाइनाइट लेंथ का कोई चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, ये इस डायग्राम से आप लोगों को पता चला है, ठीक है ना। तो पहला वाला जो डायग्राम है ना, ये पहला डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम तो केवल आपको डायरेक्शन पता करने के लिए बनाया ही है, तो ठीक है ना, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ना, ड्यू टू लाइन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज ठीक है ना, लाइन चार्ज। अब आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ही थोड़ी काम करना है बेटा, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग इसको उतारिए बेटा फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया बेटा? अच्छा सुनिए, ये तो आप लोगों के पास में क्या होगा बेटा, इस डायग्राम से तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में पता चला है, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, वायर के, ये वायर है बेटा, वायर के बिल्कुल परपेंडिकुलर ठीक है ना, बाहर की ओर होती है। अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, यानी कि दूसरा वाला पॉइंट है, तो दूसरा वाला पॉइंट ये है बेटा आपके पास में, यानी कि सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, ये जो पी पॉइंट है ना बेटा, इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, जब भी गॉस लॉ को आप लोगों को यूज में लेना है बेटा, तो अपन डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अपन क्या करेंगे बेटा कि गॉस लॉ को यूज में लेते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों को एक गॉसियन जो सरफेस है ठीक है ना, गॉसियन सरफेस की क्या करेंगे बेटा, एक इमेज करेंगे, गॉसियन सरफेस का इमेज करेंगे अपन, ठीक है ना। अब ये गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा, गॉसियन सरफेस कुछ नहीं होता बेटा, कि हम क्या करते हैं कि जैसे ये वायर है ना, इस वायर को हम एक ऐसे मतलब बंद, जो आपके बाद में क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस की फॉर्म में इसको मानना है। अब देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, गॉसियन सरफेस की मतलब इमेज करते हैं। तो गॉसियन सरफेस कैसे होगा बेटा, ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट पी है ना बेटा, ये पॉइंट पी जरूरी नहीं है कि इस वायर के इधर की साइड पे लो आप, ये पॉइंट पी इस वायर के इधर की साइड पे भी ले सकते हो आप, इधर वाली साइड पे भी ले सकते हो। तो कुल मिला के इस वायर को अपन क्या करते हैं बेटा, बीच में रखेंगे। देखो ध्यान से समझना आप बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बेटा। तो अपन ने क्या किया कि हमारे पास में ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज तो इस तरीके से है बेटा, ठीक है ना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये सब जगह आपके पास में ये चार्ज हो गया। अब ये पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी कहाँ था बेटा, यहाँ पे था, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि पॉइंट पी को आप इधर ही लो, पॉइंट पी को अपन इधर भी ले सकते बेटा, ये इस तरीके से। तो कुल मिला के आप लोगों को क्या करना है बेटा, ये पॉइंट पी इधर भी हो सकता है, पॉइंट पी इधर भी हो सकता है। तो कुल मिला के अपन एक गॉसियन सरफेस की, गॉसियन जो सरफेस है उसको क्या करते हैं बेटा, उसकी इमेजिनेशन करते हैं। तो गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एक मतलब सिलेंडर बनाते हैं, थोड़ा नीचे बनाता हूँ यार, यहाँ पे बना देता हूँ। ये लाइन चार्ज है बेटा, और यहाँ पे
एक्स ठीक है बेटा, ये जो आप लोगों ने सिलेंडर बनाया, ये सिलेंडर आपके पास में गोसेन सरफेस है बेटा, ठीक है ना, क्लोज सरफेस है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा, गोसेन सरफेस बोलेंगे। अच्छा सुनिए, यहाँ पर ये जो चार्ज को यहाँ पे है बेटा, आप इस ये जो आप लोगों को ये जो क्लोज सरफेस है इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, क्लोज सरफेस को, ये हमारे पास में है गोसियन सरफेस, ठीक है ना, इसको अपन क्या करते हैं बेटा, गॉसियन सरफेस मानते हैं। और आप लोगों को इसके एप्लीकेशन में ये मानना ही मानना है बेटा, हर में हर एप्लीकेशन में आप लोगों को कुछ ना कुछ मानना है बेटा, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो अब ये आपके पास में एक क्लोज सर्फेस बन गया, ठीक है ना, क्लोज सर्फेस बन गया, तो अपन क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि ये जो सिलेंडर बना है क्लोज सर्फेस, इसका एक सरफेस तो ये वाला हो जाएगा बेटा, एक सरफेस तो ये वाला हो गया, इस वाले सरफेस को आप एस वन लिख दो, ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला सरफेस आपके पास में एस टू है, और ये वाला जो सरफेस है ये सरफेस आपके पास में एस थ्री है, ठीक है ना बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, एस वन जो सरफेस है ना, इसी एस वन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोगों को पता चली गई थी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता चली गई थी, इस वाले लाइन चार्ज से बाहर की ओर ऐसे थी यू, तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक जो लाइन है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर की तरफ थी बेटा, ई वेक्टर, ठीक है ना, इस तरीके से थी ये आपके पास में इस तरीके से, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर एक यहाँ पे एक माइनर एरिया मानते हैं, ठीक है ना, ये आप लोगों ने क्या कर लिया बेटा, एक माइनर एरिया मान लिया, इसका क्या निकालना है, एरिया वेक्टर निकालना है, एस वन का, S1 का एरिया वेक्टर निकालोगे तो S1 का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा बेटा, ठीक है ना, ये S1 का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से अपन ने ले लिया, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो अपन कितना मान लेते हैं बेटा, dA वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ये तो एरिया वेक्टर हो जाएगा बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है बेटा, इधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। एक बात बताओ, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना थीटा, वो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री बनेगा, बात समझ रहे हो ना तुम। अब अपन क्या करेंगे बेटा, ये H2 जो सरफेस है, H2 सरफेस का भी माइनर मतलब इसका एरिया वेक्टर फाइंड करेंगे, तो इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ आएगा बेटा इस तरीके, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर की तरफ होगा बेटा, नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 90 डिग्री हो जाएगी, बात समझ में आई ना आप लोगों को। उसके बाद में ये जो S3 सरफेस है, S3 सरफेस का भी अपन क्या करते हैं बेटा, माइनर पार्ट मान लेते हैं इस तरीके। अब इसका अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना है तो एरिया वेक्टर बिल्कुल ऐसे इसके परपेंडिकुलर dA वेक्टर होगा, ठीक है ना, ये भी आपके पास में क्या बेटा, dA वेक्टर है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की तरफ ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा, थीटा इक्वल टू होगा आपके पास में 0 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस को अपन क्या करते हैं बेटा, कि गॉस लॉ से अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कि जो लाइन चार्ज था उस लाइन चार्ज को ऐसे बीच में मान ले, मान के चलते हैं, और लाइन चार्ज से मतलब यहाँ से यहाँ पे पहले अपन ने पी पॉइंट माना था, ये पी पॉइंट जरूरी नहीं है बेटा कि इधर की साइड पे हो, ये पी पॉइंट इधर की साइड पे भी हो सकता है। तो कुल मिला के अपन क्या करते हैं, ये इस तरीके से अपन ने क्या मान लिया बेटा, दो लाइन ड्रॉ की, ठीक है ना, ये इमेज कर रहे हैं अपन केवल, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ये इस तरीके से सिलेंडर बन जाएगा बेटा, और इस सिलेंडर के तीन सरफेस होती है, ठीक है ना, तो उन तीनों सरफेस की S1, H2 और S3, तो इन तीनों सरफेस को आप तीनों सरफेस का आप लोगों को एरिया वेक्टर निकालना है। तो आप लोगों ने S1 का एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा dA, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और यहाँ पर S3 के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, वो आपके बाद में कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करते हैं बेटा, कि ये जो आपके पास में
ये तीन जो सरफेस हैं, इन तीनों सरफेस से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है ना। यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस, ये जो आपके पास में क्लोज सरफेस है, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो अपन लिख सकते हैं बेटा कि इंप्लीकेशन, ये क्लोज इंटीग्रल, पहले तो अपन जो एस वन सरफेस है ना, एस वन सरफेस का लिखेंगे बेटा, तो एस वन यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, एस वन, और क्या होता है बेटा, क्या होगा इसको अपन ऐसा लिख दो, अभी हाल फिलहाल के लिए फाइव वन प्लस का, इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह फाइव टू मान लेते बेटा, इस वाले का एच टू का, ये जो आपके पास में फाइव टू प्लस जो एस थ्री है ना, इसका कितना मान लेते बेटा, फाइव थ्री मान लेते हैं, तो ये आपके पास में फाइव थ्री हो जाएगा इक्वल टू, ये सभी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल टू होगी बेटा, न्यू नेट अपॉन, या ऐसे लिख दो बेटा, सिग्मा न्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ से लिखा है बेटा ऐसा। अब एक बात बताइए, ये जो फाइव वन है ना, फाइव वन को अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि इंटीग्रल एस वन, एस वन सरफेस के लिए लिखेंगे बेटा एस वन ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, एस वन के लिए थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, 90 डिग्री, तो ये आप लोगों ने 90 डिग्री लिख दी। प्लस इंटीग्रल एस टू के लिए लिखेंगे ना, तो कितना लिखेंगे बेटा, ई डी ए कॉस ऑफ, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, 90 डिग्री, तो ये आप लोग थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिख दीजिए। प्लस इंटीग्रल यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल लगा लेना बेटा, और अगर अपन एस थ्री के लिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, सो थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, 0 डिग्री, इक्वल टू कितना चलेगा, सिग्मा न्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आप लोग जान दो बेटा बहुत अच्छे तरीके से कि कॉस 90 की वैल्यू आपके पास में कितनी होती है, 0, ये भी 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कुल मिला के यहाँ पर कितना मिलेगा, इंटीग्रल इंटीग्रल एस वन, यहाँ पर एस टू लगा देना बेटा, यहाँ पर एस थ्री लगा देना ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा ई डी ए, ये आएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पर एस थ्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर एस थ्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता चल गया कि ये जो एस वन और एस टू जो सरफेस है, एस वन और एस टू सरफेस है, इस एस वन और एस टू सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 है, ठीक है ना, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू आपके पास में 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो आपके पास में इन दोनों सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, ये जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स है, इसी एस थ्री सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो होगा बेटा। अब अपन क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख दिया बेटा, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पर ये जो ई है ना, इसी को अपन बाहर निकाल लेंगे बेटा, तो ये ई तो अपन ने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल ये आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा, डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत हो तो पूछो बेटा, किसी को कुछ पूछना है इसमें बेटा, किसी को कुछ पूछना है क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका फटाफट से। ले ले बेटा, अच्छा सुनिए, यहां पर अपन क्या करते हैं बेटा, अब मैं इसको अच्छा ध्यान से समझना बेटा, अपन ये जो वायर है ना, इस वायर की यूनिट लेंथ पे, ठीक है ना, इस वायर की यूनिट लेंथ पे अगर अपन चार्ज, ये वायर है, इस वायर का जो चार्ज देखे बेटा, क्योंकि लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज है, तो आप लोग एक चीज जानते हो बेटा, क्योंकि वैल्यू अपन निकाल लेंगे, इसको हटा देता हूँ बेटा, आपके पास में क्या है बेटा, वायर है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि लेट चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर, यूनिट लेंथ वायर के ऊपर जो चार्ज है वो अपन कितना मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं बेटा, ठीक है ना। तो
आपको वो पता है कि आप लोग जानते बेटा कि लैम्डा इक्वल टू बीन ऑफ एच, एक चीज जानते हो बेटा लैम्डा बीन ऑफ एच इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन ये आपके बाद में क्यू अपॉन एल होता है। अगर क्यू की वैल्यू निकालोगे बेटा तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, लैम्डा एल हो जाएगा, ये आएगा आपके पास में, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया किसका एरिया है बेटा, ये जो डी ए एरिया लिया, ये वाला एरिया किसका है बेटा, वो जो आप लोगों ने साइड वाली सरफेस ली थी ना, मतलब सिलेंडर की साइड वाली सरफेस ली थी, उसका एरिया है। तो एक बात बताओ, सिलेंडर का कवर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं वे यहाँ पे, ठीक है ना, सिलेंडर ले रहे हैं, इसलिए इंटीग्रल डी ए इक्वल टू ठीक है ना, कितना हो जाएगा बेटा, टू पाई आर एल होगा, नहीं होगा ऐसा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, टू की वैल्यू और ये आपके पास में डी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, तो यहाँ पे पुट अप करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, ई तो ऐसा ना सही मल्टीप्लाई, ये जो आप लोगों को डी ए नजर आ रहा है, इस डी ए की जगह अपन क्या रख सकते हैं बेटा, टू पाई आर एल लिख दिया इक्वल टू, ये जो आपको सिग्मा क्यू है ना, सिग्मा क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते बेटा, लैम्डा एल लिख देंगे, और नीचे कितना चल रहा है बेटा, एफ साइलेंस मोड चल रहा है, इस एकल से एकल को कैंसिल आउट कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है कौन, ये टू पाई आर, इस टू पाई आर से इधर डिवाइड कर देते हैं, टू पाई आर से इधर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई आर, और ये आपके पास में नीचे कितना आ जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है ना, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास में जो लाइन चार्ज है, उस लाइन चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन क्या करते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर नीचे है ना, टू से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ठीक है ना, ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई, नीचे भी टू से मल्टीप्लाई, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, टू से मल्टीप्लाई करते टू लैम्डा हो जाएगा, और नीचे टू से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा बेटा, फोर पाई, और ये एप्सिलॉन नॉट मैंने साथ में लिख दिया, ठीक है ना, और ये पीछे कितना चल रहा है बेटा, आर चल रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बात याद रखनी बेटा कि E इक्वल टू अपन ऐसा लिख सकते बेटा, बटा फोर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इन टू ये आपके पास में टू लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू तो आप लोग जानते हो बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है, ये टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का कारण यही है बेटा कि अपने को के की वैल्यू लानी है, तो यहाँ पर अपन इसकी वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, के, तो कुल मिला के ई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, टू, और इसकी वैल्यू कितनी, ये लेमडा अपॉन आर हो जाएगा, ये आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि जो हमारे पास में इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, उसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को क्या करनी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा, ई इक्वल टू टू के लैम्डा अपॉन आर आई, ठीक है ना। तो यहाँ आप तो कोई दिक्कत है क्या बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या बेटा यहाँ तक, थोड़ा सा लेंथी है, देखो इस चीज को ऐसे भी मत मान के चलना कि भाई सिंपल तरीके से हो जाएगा, लेकिन एक बार से दूसरी बार करोगे ना तो जरूर हो जाएगा। बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्या, ठीक है ना, इसको नोट कर लो बेटा। कर लिया, अच्छा अब देखिए, अब क्या करते हैं बेटा आगे कि ई और आर में क्या रिलेशन है बेटा, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो ई और आर में रिलेशन है, यहां से इसको डाल देना बेटा, कोई सी भी इक्वेशन जो आप लोगों ने डाल रखी है वह यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ई और आर में रिलेशन, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, ठीक है ना। तो यहां पर अगर अपन बात करें बेटा कि ग्राफ बनाए किस किस में बेटा, ई एंड आर में अगर अपन ग्राफ खींचे, ठीक है ना, यानी कि प्लॉट ग्राफ, ग्राफ
ग्राफ प्लॉट बिटवीन ई एंड आर, ई और आर के बीच में अगर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप लोगों को ग्राफ कैसे मिलेगा बेटा, इधर तो आप आर ले लीजिए, इधर आप लोग ले लीजिए ई, ठीक है ना। ये दोनों देखो सिंपल सी बात है, आर बढ़ेगा तो ई कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है ना बेटा। पहली बात तो ये, और अगर आप ई एंड वन अपॉन आर में ग्राफ पूछोगे तो आपको ग्राफ कैसे मिलेगा बेटा, इधर तो आपको वन अपॉन आर लिख दीजिए और इधर लिख दीजिए आप लोग, मिलेगा बेटा बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरीके, सॉरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी आप लोग, ठीक है ना बेटा। आप बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, उतारो आप इसको भी उतार लो बेटा, उतार ले क्या बच्चे हूं। अरे समझ में भी आया कि नहीं आया बेटा, वर्षा समझ में आया क्या? ओ वर्षा समझ में आया कोई बेटा, और कौन जुड़े? अमनदीप आ गया समझ में? घर पे एक बार है ना, मैं जैसे नोट सेंड करूँ ना बेटा, घर पे एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि यार ये कह की डेरिवेशन बहुत बड़ी बड़ी है बेटा। अक्षिता समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सगुन, कोई बात नहीं, घबराने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग में इसके नोट्स दूंगा ना बेटा, नोट्स को एक बार आप पढ़ना, फिर अगर आप लोगों को समझ में नहीं है ना फिर एक बार मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, परेशान मत होना, है ना।